जय गुरु। आज का आलोचना का टॉपिक है प्रेम का न्याय। एक जज साहब को कैसे ठाकुर ने क्या सलाह दिए थे उसके बारे में आलोचना करेंगे। चलिए आलोचना शुरू करते हैं। श्री श्री ठाकुर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन ही नहीं राष्ट्र शासन में भी इष्ट को केंद्र मानकर चलने सिखलाए हैं। समस्त देश को जनता के साथ तुलना करके एक दिन श्री ठाकुर कह रहे थे, मैं जनता को प्रोविंस या प्रदेश समझता हूँ और उसका कील है ईस्ट। ईस्ट रूपी कील को केंद्र करके प्रदेश रूपी जनता उसके चारों ओर चक्कर काटे। हाई कोर्ट के एक जज साहब श्री ठाकुर का दर्शन करने आए। कुशल मंगल आदि का आदान प्रदान हुआ, लेकिन जज साहब का वार्तालाप के समय एक अन्यमनस्क भाव था। चेहरे पर भी उदासी छाई थी। यह लक्ष्य करने के बाद श्री ठाकुर पूछे, आपको क्या हुआ है? जज साहब की पत्नी साथ में ही थी, बोली, उनका मन बहुत खराब है। यहाँ से लौटने के बाद एक व्यक्ति को फांसी की सजा देनी होगी। श्री ठाकुर बहुत जिज्ञासु दृष्टि से जज साहब की तरफ देखते रहे हैं। जज साहब बोले, जी हाँ, केस ऐसी परिस्थिति में पहुँची है कि फांसी की सजा देनी ही पड़ेगी। श्री ठाकुर कुछ समय तक चुपचाप रहने के बाद बोले, मनुष्य के यदि मार ही देंगे तो उससे क्या फायदा होगा? उसको बचाए रखकर यदि संशोधित कर सके तब उसमें उसका भी फायदा है और आपको भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। यह बात कहने के बाद श्री ठाकुर एक कविता की पंक्ति बोले, सत्य की मृत्यु से बड़ा मिथ्या और कुछ नहीं है। उसके बाद बोले, देखें, उस व्यक्ति को बचाकर यदि अपने पास रखकर उसके दुष्ट मन को शुद्ध कर सके वही होगा उसकी असली प्रायश्चित। मार देने से तो वो चला ही गया, इसलिए मुझे जेलखाना नाम पसंद नहीं होता है, उसका नाम होना चाहिए संशोधनगार। एक स्वस्थ परिवेश में अपराधी को रखकर उसको संशोधन करने का इंतजाम करना ही है शासन व्यवस्था का काम होना चाहिए। इसी तरह की और कुछ बातें होने के बाद जज साहब का मन बहुत हल्का हो गया। जज साहब लौटकर उस अपराधी की फांसी की सजा माफ़ कर दिए थे और श्री ठाकुर के निर्देश अनुसार उसे अपने पास रखे भी थे। बाद में वो अपराधी जज साहब का एक विश्वासी कर्मचारी बन गया था। ये टॉपिक प्रिय परम से संग्रहित है। ये आलोचना आज यहीं ख़त्म होता है। जय गुरु।